नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे Xiaomi ने अपना Redmi Note 7 Pro को मार्केट में उतार के फिर से कमबैक कर लिया है, बट Xiaomi यहाँ पे रुकने नहीं वाला। Xiaomi और एक मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहा है अपने Xiaomi Mi A3 के साथ में। जी हाँ दोस्तों, A3 अब तक का सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन होगा जो कि बजट सेगमेंट में आपको काफी कमाल के फीचर प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों, आप इंटरेस्टेड इस फोन के बारे में जानने के लिए तो इस वीडियो को जो है वो अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कब ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा, क्या होगी प्राइस एंड कौन से कमाल के फीचर आपको इस फोन में देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हैं वेक्टर टेक चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो Xiaomi की A सीरीज है वो चाइना में जानी जाती है अपनी Mi X नाम से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चाइना में जब Mi 5X लॉन्च हुआ था तो वही फोन आपको इंडिया में A2 नाम से देखने को मिला। 6S लॉन्च हुआ, वही फोन आपको A2 नाम से देखने को मिला। एंड अब चाइना में लॉन्च हुआ है Mi 9 एंड Mi 9X, तो वही फोन आपको इंडिया में Mi A3 नाम से जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उस फोन में जो फीचर है वही फीचर आपको A3 में जो है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, Xiaomi की जो A सीरीज है उसकी हाइलाइट है इस फोन के कमाल के कैमरेज एंड एंड्रॉइड 1 प्रोग्रामिंग। Xiaomi का जो A2 है थोड़ा सा लेट लॉन्च हुआ था, अगस्त के महीने में हमें देखने को मिला था। उस फोन में आपको 6 इंच की फुल HD+ स्क्रीन देखने को मिली, उसके साथ साथ स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिला, 3000mAh की बैटरी देखने को मिली, USB Type-C का पोर्ट देखने को मिला। एंड उस फोन का कैमरा काफी कमाल का था, ड्यूएल कैमरा आपको उस फोन में देखने को मिला 12+20MP का, एंड 20MP की सेल्फी देखने को मिली। तो A2 जो है वो सच में काफी कमाल का था, बट दोस्तों A3 उससे भी ज्यादा कमाल का होने वाला है। 6.2 इंच की फुल HD+ AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ वाटर ड्रॉप नॉच आपको जो है वो देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों, इसी AMOLED स्क्रीन की वजह से इस फोन में आपको देखने को मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। जी हाँ दोस्तों, मैं इसीलिए कह रहा था कि Xiaomi का अब तक का सबसे बेहतरीन बजट सेगमेंट वाला स्मार्टफोन होगा, क्योंकि बजट प्राइस रेंज में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। लुक भी इस फोन का काफी कमाल का होगा। यहां पे अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों, Xiaomi ने अगर किसी प्रोसेसर को एक बार पकड़ा तो वो उस प्रोसेसर को 1-1.5 साल तक छोड़ता नहीं है। तो इसी की वजह से इस फोन में आपको देखने को मिलेगा Redmi Note 7 Pro का Qualcomm Snapdragon वाला 675 वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर। जी हां दोस्तों, वही प्रोसेसर आपको A3 में भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब इस फोन का एक्सपीरियंस काफी कमाल का होगा गेमिंग के लिए बिन हाई टास्किंग के लिए भी। दोस्तों, कुछ लोग यहां पे कह रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 710 होगा, बट दोस्तों 675 काफी बेहतरीन है 710 से। तो यहां पे आपको कंफर्मली स्नैपड्रैगन 675 A3 में जो है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब तक अगर आपको A3 पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां पे बात करें इस फोन की बैटरी की, तो हमेशा से ही A सीरीज का जो है ये ड्रॉबैक रहा है कि इस फोन में आपको काफी लिमिटेड बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। A2 में भी आपको 3000mAh की बैटरी देखने को मिली थी, तो यहां पे A3 में आपको 3300mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। थोड़ी सी ज्यादा, इतनी कुछ ज्यादा नहीं है। USB Type-C का पोर्ट देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये फोन जो है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। बट दोस्तों, शायद से इस फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। मुझे यहां पे लगता है कि आपको अलग से फास्ट चार्जर खरीदना पड़ेगा, तो ये यहां पे ड्रॉबैक है, क्योंकि इस फोन में आपको सिर्फ लिमिटेड 3500 नहीं बल्कि 3300mAh की बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि यहां पे कम से कम 4000mAh की बैटरी लाइफ देनी ही चाहिए। अब यहां पे बात करते हैं दोस्तों इस फोन की हाईलाइट की, जो कि इस फोन के कैमरास। दोस्तों, यहां पे इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि फर्स्ट लेंस होगी 48MP की सोनी IMX 586 वाले सेंसर के साथ में। जी हां दोस्तों, Redmi Note 7 Pro में जिस तरह से कैमरा है उससे भी बेहतरीन कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। सेकेंडरी लेंस होगी 13MP की, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए काम आएगी। एंड थर्ड लेंस होगी 8MP की, जो की जानी जाएगी डेप्थ सेंसिंग लिए। तो इस फोन में आप लो लाइट, पोर्ट्रेट मोड, बूके मोड, काफी कमाल कमाल के फोटोज खींच पाएंगे Redmi Note 7 Pro से, बल्कि Samsung Galaxy A50 से भी कमाल के फोटोज आप इस फोन में जो है वो खींच पाएंगे। यहां पे बात करें दोस्तों सेल्फी की, तो A2 में आपको 20MP की सेल्फी देखने को मिलती थी, बट इस फोन में आपको देखने को मिलेगी वर्ल्ड की अब तक की सबसे बड़ी सेल्फी 32MP की। जी हां दोस्तों, काफी कमाल की सेल्फी आपको इस फोन में देखने को मिलेगी। तो आप खरीदना चाहते हैं बेहतरीन कैमरा वाला स्मार्टफोन, तो आपके लिए यह बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इस फोन की प्राइस भी काफी कमाल की है। यहां पे बात करें इस फोन की वेरिएंट की, तो इस फोन में आपको कंफर्मली 4GB RAM 64GB का वेरिएंट देखने को मिलेगा, 6GB RAM 128GB का भी वेरिएंट देखने को मिलेगा। एंड यहां पे कह रहे हैं कि 8GB का वेरिएंट भी आपको इस फोन में जो है वो देखने को मिलेगा। नजर डालें यहां पे प्राइसिंग पे, तो दोस्तों A2 जब लॉन्च हुआ था तो उसकी प्राइस 16000 थी, बट वो फोन आपको अभी 12000 में देखने को मिलता है। तो यहां पे इस फोन की प्राइस होगी लगभग 16 से 17000
13,000 क्योंकि Redmi Note 7 Pro आपको देखने मिलता है 14,000 में 4GB का वेरिएंट एंड आपको A3 में थोड़ा सा एडवांटेज भी देखने मिलता है, ट्रिपल कैमरा का सेटअप एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, लगभग 16,000 से 17,000 में आपको 4GB का वेरिएंट देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये था Xiaomi का Mi A3 जो कि आपको बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने मिलेगा। तो दोस्तों आपको इस फोन में का कौन सा फीचर पसंद आया, क्या ट्रिपल कैमरा का सेटअप या फिर 32 मेगापिक्सल की वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेल्फी या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, प्लीज बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। एंड आप कितना बेकार आ रहे हैं इस फोन को पाने के लिए वो भी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारा जो यूट्यूब चैनल है वेक्टर टेक को प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए।